उत्तर प्रदेश के सभी मेरे साथियों को जय भीम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भोजन मैत्री सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। पहला चरण हम लोगों ने 10 दिन वहां पर उत्तर प्रदेश में बिताए और हर जिले में कार्यक्रम हमने किए। 10 जिले वहां पर हम लोगों ने कवर किए। अब उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण का आयोजन या शुरुआत होने जा रही है, तो मैं आप सभी लोगों को, क्योंकि देखिए ये एक ही माध्यम है हमारा, हमारे पास जो जानकारी हम लोग आपके पास शेयर कर सकते हैं, बाकी कोई मीडिया तो हमारी ये बातों को बताएगा नहीं, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि 26 अगस्त से उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। 26 अगस्त को फिर से हम दो कार्यक्रम कर रहे हैं। रायबरेली में हमारा एक कार्यक्रम हो चुका था, लेकिन रायबरेली के लोगों की ये मांग है कि फिर से हमें वहां पर एक कार्यक्रम चाहिए, इसलिए 26 अगस्त को बच्छरवा रायबरेली यहां पर पहला कार्यक्रम होगा 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे, और उसी दिन शाम को 4 या 5 बजे तक कानपुर नगर में कार्यक्रम हो जाएगा। हम लोग एक दिन में दो कार्यक्रम कर रहे हैं और कई सारे मीटिंगें हो जाती है, तो 26 अगस्त को हम हैं बच्छरवा रायबरेली और कानपुर नगर। कार्यक्रमों का विभाजन हमने दो सत्रों में किया हुआ है। पहला सत्र सुबह 11 बजे शुरू हो जाता है, जो 2 या 3 बजे तक चलता है, वहां से 100-200 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा कार्यक्रम, दूसरा जिला है, वो शाम के 5 बजे शुरू हो जाता है और 7-8 या 9 बजे तक वो कार्यक्रम चलते हैं। तो 26 तारीख को हम हैं बच्छरवा रायबरेली और कानपुर नगर। 27 अगस्त को हम हैं कानपुर देहात और जालौन उरई में। उसके बाद 28 अगस्त को हम हैं औरैया और कन्नौज में। मैं एक और आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि पहले चरण के कार्यक्रमों को देखकर वहां के मुस्लिम समुदाय ने हम लोगों को बहुत सराहा, उन्होंने बहुत हमको सपोर्ट किया है, और मौलाना अबुदुल्ला आजमी, जो एक मुस्लिम समुदाय में एक बहुत बड़ा नाम है, सज्जाद नोमानी जी के परमिशन से वो हमारे कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। तो भोजन मैत्री सम्मेलन, क्योंकि हम लोग ये इन हॉल कार्यक्रम कर रहे हैं, तो भारी मात्रा में लोग अब मुस्लिम्स भी इसमें आ रहे हैं। तो 28 अगस्त को हम औरैया कन्नौज में हैं, 29 अगस्त को हम हैं इटावा में और मैनपुरी में। इटावा के लोग, मैनपुरी के लोग मुझे बहुत कॉल करते हैं, बहुत सारे मैसेज करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ पर प्रोग्राम कीजिए। तो मैनपुरी के लोगों को खास मैं बता रहा हूँ कि हम 29 अगस्त को मैनपुरी में आ रहे हैं शाम को। 30 अगस्त को हम हैं फारुखाबाद और एटा, 30 अगस्त को फारुखाबाद और एटा। 31 अगस्त को कासगंज और अलीगढ़। 1 सितंबर को हम हैं हाथरस में और फिरोजाबाद में, हाथरस और फिरोजाबाद को हम 1 सितंबर को हैं। 2 सितंबर में हम हैं आगरा और भरतपुर, आगरा और भरतपुर 2 सितंबर। 3 सितंबर को हैं मथुरा और गौतम बुद्ध नगर, और 4 सितंबर को है गाजियाबाद और दिल्ली। तो ये इस तरह के 10 दिन के कार्यक्रम सारे लग चुके हैं, शेड्यूल लग चुका है। मैं कंटिन्यूसली दौरे पे हूँ। आज मैं समा चाहूंगा कि टी शर्ट्स और मैं ट्रैक पैंट पे होने के बावजूद मुझे लाइव आना पड़ा, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है। बंते जी का बार बार कॉल आ रहा है कि आप एक वीडियो रिलीज कीजिए और लोगों को जानकारी दीजिए कि आप कौन से दिन में कहाँ कहाँ पर है। अब मैं घर में बैठने का समय मुझे है नहीं कि मैं घर में बैठकर आपके लिए एक वीडियो रिलीज करूँ, तो ये कंटिन्यूस ट्रैवलिंग में होने की वजह से आज टी शर्ट्स पे ही ये वीडियो मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो जानकारी हमने दी है, क्योंकि कोई मीडिया तो इसको कवर करेगा नहीं कि मैं किस दिन कहाँ पर हूँ, यही राहुल गांधी अगर कहीं जाने वाला हो, यही अगर कोई नरेंद्र मोदी कहीं जाने वाला हो, तो इसकी बड़ी बड़ी खबरें चलाई जाएंगी, बहुत पेपर्स में दिया जाएगा, और लोग भी इनके कार्यक्रमों को नहीं आते तो भी इनके कार्यक्रम टीवी पर दिखाए जाते हैं। इसलिए हमको हमारा मीडिया खुद बनना है, इसलिए मेरे पेज से मैं आप लोगों को
ये सारी जानकारी दे रहा हूँ। जो लोग इन कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं आप लोग जरूर आइएगा और बहुजन विचारधारा को मजबूत बनाइएगा। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये सारे कार्यक्रमों का इंटेंशन हमारे बहुजन समाज की जो पार्टी है उसको मजबूत करना ही है। कुछ लोग मैंने देखा कि फर्स्ट चरण के कार्यक्रम खत्म होते ही एकाध चैनल के लोग इसका विरोध करना शुरू कर दिए थे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारा इंटेंशन 2022-2024 को नरेंद्र मोदी और योगी को रोकना ही है और हमारी जो पार्टी है नेशनल लेवल की उसको मजबूत करना है। यही हमारा, यही इंटेंशन से मैं काम कर रहा हूं। पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, यहां पर हम लोग यही मैसेज दे रहे हैं। तो देखिए, ये आखिरी मौका हमारे पास है, 2022 का आखिरी मौका हमारे पास है। अगर इस मौके को हम लोग गवा दिए या इस मौके को हम लोग हासिल नहीं कर पाए तो आने वाले 100 साल तक हम बीजेपी को, आरएसएस को हिला नहीं पाएंगे, हम लोग उनके कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुजन विचारधारा को फैलाने के लिए आप सभी लोग आइएगा और हमारे विचार सुनिएगा, क्योंकि यही एक माध्यम है जो जनता में उतर कर हम ये काम कर सकते हैं। तो ये मेरा कार्यक्रम है, कार्यक्रमों की सूची है उत्तर प्रदेश के लिए। जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, आ सकते हैं, नजदीक में कहीं है तो आप जरूर आइएगा और इन कार्यक्रमों को सफल बनाइएगा। इतना ही कहता हूं और रुकता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।